दोस्तों, अगर आपको बेहतरीन फिल्म की तलाश है, खास तौर से जिसमें वकालत के दाव पेंच को दिखाया गया हो, तो आप सही जगह पर आए हो। इस फिल्म में दो वकीलों की बेहतरीन अदाकारी को दिखाया गया है। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो कुर्सी से नहीं हटोगे। इस पूरी फिल्म में सस्पेंस और इंटरेस्ट कूट कूट के भरा है। दोस्तों, अगर आपको मनोज बाजपेयी की कोई बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म देखनी हो तो वो यही है। तो आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए। इसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे वकील की है जो किसी बच्ची के साथ हुए अत्याचार से उसे न्याय दिलाता है, और इस चक्कर में उस वकील को अपनी जान का भी जोखिम उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि खुद उस वकील के बच्चे की भी जान पर बन आती है। इस फिल्म में वकील को धमकी, जानमाल का नुकसान जैसे खतरों से भी निपटना पड़ता है, लेकिन वकील इन चीजों को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं मानता है जितनी कि ये बात है कि अगर वो एक भी सुनवाई में हारा तो फिर जिंदगी भर उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाएगा जो उससे उम्मीद लगाए बैठी है। दोस्तों, मेरे रिव्यू से आपको पता चल जाता है कि भला फिल्म को देखने से आपका टाइम तो खराब नहीं होगा, इसलिए मैं बेहतरीन फिल्मों का ही रिव्यू आपके सामने लाता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बॉलीवुड एंगल चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन फिल्में लाता रहूँ। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में एक ढोंगी बाबा को दिखाया गया है जो किसी लड़की का रेप कर देता है, और इस वजह से इस ढोंगी बाबा को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, लेकिन बाबा की जमानत होकर वो बाहर ना आ जाए। इसीलिए इस बात पर दोनों वकीलों की बहस शुरू हो जाती है कि लड़की बालिग है या फिर नाबालिग। अगर ये साबित हो जाता है कि जब लड़की का रेप किया गया तो वो 18 साल की हो चुकी थी, तब तो इस ढोंगी बाबा को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो 18 साल से कम की है तब इस ढोंगी बाबा को जेल में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए डिफेंस वकील यानी विपिन शर्मा पूरी कोशिश में लगा रहता है कि किसी भी तरह से ये साबित किया जाए कि लड़की बालिग यानी मेजर हो चुकी है, ताकि पोस्को नाम के एक्ट को हटवा कर इस ढोंगी बाबा को बाहर लाया जा सके। दोस्तों, इस फिल्म में यही देखने लायक है कि लड़की को बालिग ठहराने के लिए वकील क्या क्या जतन करता है और कौन कौन से झूठे डॉक्यूमेंट पेश करता है, और फिर किस तरह से दूसरा वकील इन सभी सबूतों का कैसे खंडन करता है। और दोस्तों, इस तरह से उस बच्ची को न्याय मिलने में करीब 5 साल लग जाते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में विलेन कौन होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी फिल्म में लड़की के डॉक्यूमेंट को लेकर दो वकीलों में जमकर बहस होती है। एक वकील कैसे भी करके ढोंगी बाबा को बाहर निकालना चाहता है, तो दूसरा वकील कैसे भी करके उस लड़की को न्याय दिलाना चाहता है। यानी ये दोनों वकील अपना अपना काम कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इस फिल्म में कोई भी विलन नहीं है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में लोगों का काम कैसा है। दोस्तों, अगर काम की बात करें तो मुझे अब तक की मनोज वाजपेयी की ये सबसे बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म लगी। फिल्म में जब भी वो वकील के किरदार को कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सच में कोई वकील केस लड़ रहा हो। और ऐसे ही विपिन सर का भी काम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो थोड़े नेगेटिव रोल में है इसलिए उन पर इतना ध्यान नहीं जाता, पर फिर भी उनका काम बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अगर ये फिल्म आपको दोबारा भी दिखाई जाए तो आप मना नहीं कर पाओगे। ये बात अलग है कि मैं इस फिल्म का रिव्यू देरी से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको एक नया अनुभव मिलने वाला है। दोस्तों, आपको इस फिल्म में बेहतरीन डायलॉग और पंच देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने इस फिल्म के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर आपने अभी तक गदर 2, ओ माय गॉड 2 और सलार जैसी लेटेस्ट फिल्मों के बारे में नहीं जाना है तो चैनल पर विजिट कीजिए। दोस्तों, सिर्फ एक बंदा काफी है फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर साझा करें। और यदि आपको फिल्मों की पूरी कहानी सुनना पसंद है, या फिर ऐसे ही आने वाली बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको चाहिए, तो इस चैनल से बेहतर आपको कोई दूसरा चैनल नहीं मिलेगा। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को जरूर प्रेस करें। घंटे से आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, नमस्कार, सब बखैर।